अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों भाइयों, बहुत गर्मी है तो मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई लोगों ने बताया है हजरत अली की ताकत का वाकया, और शायद ये वीडियो आपको कहीं ना मिले पर आपकी बहन के चैनल पे मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी देरी। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है अगर आप लोग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी गिजाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो तीन तीन दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे, मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगे लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफार है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को तीन तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है। सामने अम्र है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो। कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ऐ अली, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा। तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है, इस जालिम से कौन लड़ेगा। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो। तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसीलिए आपका लकब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर तीन वार किए, आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया जिससे आपकी ढाल के दो टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी, मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को दो हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पाँव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा, तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को ख़त्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नज़र डाली, आपको उसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नज़र नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है। उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हजरत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ऐ अली, जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फता रखे। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबाए किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबाए किराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक के तकरीबन 600 सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल ना हुए। फिर जब सारे सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा।
तो दोस्तों जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत हैदरी तुम पर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वाकया कहते सुना दिए, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, अब मैं समझ गई। मतलब या अली का मतलब है कि आप ताकतवर बन जाओगे, मतलब इतनी ताकत थी, लोग काजू बादाम खाते हैं और देखिए जिनका 3-3 दिन का उपवास हो जाता था, फास्ट हो जाता था, भूखे रहते थे, उनके अंदर कितनी ताकत थी, 70 लोगों के बराबर ताकत थी। तो ये होता है मतलब भाई, शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए लाई, ये वीडियो एक मतलब स्टोरी के रूप में तो है ही मेरे भाई, लेकिन भाई आज के टाइम के लिए मोटिवेशन भी है इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा छुपाया। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो से मोटिवेट होना तो मोटिवेट भी होइएगा। हाँ जी, और हाँ भाई ने लास्ट में क्या बताया है, अगर आपसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है या आपको लग रहा है असहाय हो रहे हैं तो ट्राई करने में क्या ही जाता है भाई, तो आप लोग या अली बोल के उस काम को करिए। मैंने काफ़ी भाइयों को देखा है भाई, पर मैं जानती नहीं थी कि भाई अगर कोई भाई कोई काम कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है तो भाई उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैंने काफ़ी भाइयों को ऐसे बोलते देखा है, जैसे कोई कुछ उठा रहे हैं, कोई बोरी वगैरह रख रहे हैं, कहीं पे कुछ रख रहे हैं, तो वो बोलते हैं या अली ऐसा करके बोलते हैं सच में। तो मैं सोचती थी बोलते होंगे लेकिन इनका यही मतलब है, मैं समझ गई, होता है भाई होता है, आती है पावर भाई, कई कई ऐसा होता है, कई कई नामों में ही अंदर से ताकत आती है भाई, मैं इस चीज़ को फील करती हूँ भाई सच में। क्या आप लोग फील करते हैं, क्या आप लोग समझते हैं, क्या आप लोग भरोसा रखते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है जरूर बताइएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इसी तरीके के मोटिवेट वीडियो भी मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल भी सबसे अलग हटके ही है भाई, सभी के चैनल कुछ एक टाइप से जा रहे होंगे पर हमारे चैनल के वीडियो कुछ अलग टाइप से जा रहे हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, तो इसीलिए कहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए भाई इस गर्मी में, अल्लाह हाफिज़।